Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 new NCERT of Hindi, Malhar. So we have already completed 6 chapters as you can see here. But if you haven't watched all the previous videos, please go through the links given in the description box. इस वीडियो में हम एक कविता यानी पोएम करने वाले हैं जलाते चलो। ये किनके द्वारा लिखी गई है? द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के द्वारा। तो कैसे रीड करेंगे इस पोएम को हम? एक एक पैराग्राफ देखेंगे, प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे। उससे पहले हम लेखक जो हैं या कवि जो हैं उनका परिचय देख लेते हैं। सो पोएम का नाम है जलाते चलो। अभी आपने जो कविता पढ़ी है, हम अभी पढ़ेंगे, है ना? उसे हिंदी के प्रसिद्ध कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। बाल साहित्य के चर्चित रचनाकारों में इनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित हम सब सुमन एक उपवन के जैसे गीत आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। इनका जीवन काल आप यहाँ देख सकते हैं, 1916 से 1998 यानी 98 तक था। अब इनके बारे में कहा गया है कि बच्चों से रिलेटेड जो रचनाएं हैं ना, वो इन्होंने बहुत सारी लिखी है। इनकी एक फेमस रचना यहाँ नाम दिया हुआ है, हम सब सुमन एक उपवन के ऐसे गीत आज भी बहुत फेमस हैं और हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं या कवि माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब कविता को पार्ट्स में रीड कर लेते हैं। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में घिरी आ रही है अमावस निशासी। इन पंक्तियों का प्रसंग क्या है? प्रसंग मतलब क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कवि के द्वारा? इन पंक्तियों में कवि मानव जीवन की चुनौतियों और संघर्षों का उल्लेख करते हैं। वे पाठकों को प्रेम और स्नेह से भरे दीप जलाते रहने की प्रेरणा देते हैं, ताकि अंततः धरती पर फैला जो अंधकार है वो खत्म हो जाए। यहाँ पर देखो, स्नेह का मतलब है यहाँ प्रेम और दया, धरा का मतलब है धरती और पृथ्वी, अंधेरा, यहाँ जो अंधेरा वर्ड है वो अज्ञानता के लिए, समस्याओं के लिए या दुख के लिए यूज हुआ है। शक्ति का मतलब होता है ताकत या क्षमता, विज्ञान जो आप लोग साइंस पढ़ते हैं। देन निहित, निहित मतलब होता है किसी चीज के अंदर समाहित होना, उसका प्रेजेंस होना, स्थित। फिर अमावस का मतलब होता है वह रात जिस दिन पूरा अंधकार होता है, मतलब चंद्रमा दिखता ही नहीं है। देन पूर्णिमा मतलब जिस दिन पूरा चांद हमें दिखता है, और निशा का मतलब होता है रात। अंधकार का प्रतीक माना गया है निशा को, क्योंकि रात में क्या होता है? अंधेरा होता है। तो यहाँ पर अब व्याख्या देखते हैं। सो कवि यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि स्नेह और प्रेम से भरे प्रयास अंततः अंधकार को मिटाने में सफल होंगे। हमें दीप जलाना यहाँ पर जो प्रतीक है, किस चीज के लिए यूज हुआ है? ताकि सकारात्मक पॉजिटिव काम करने चाहिए, जिससे कि अंधेरा जो अज्ञानता है वह दूर हो, जो चुनौतियां हैं वो खत्म हो। तो यहाँ पर ज्ञान की रोशनी से अज्ञान का जो अंधेरा है उसे मिटाने की बात कही है। फिर जो सेकेंड पैराग्राफ में लाइन है कि भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह, कि जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, इसका मतलब है कवि का मानना है कि विज्ञान और तकनीक के पास इतनी शक्ति है कि वो अंधकार यानी अमावस को प्रकाश यानी पूर्णिमा में बदल सकती है, लेकिन फिर भी अज्ञानता और समस्याओं को अंधकार दिन में भी नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे अभी अंधेरा है, लेकिन पहले का समय तो नहीं है। रात का कितना भी गहरा अंधेरा हो, साइंस की मदद से, विज्ञान की मदद से आज हमारे पास लाइट्स की व्यवस्था है, हम जला के उस अंधेरे को खत्म कर देते हैं। इतना विकसित होने के बाद भी आज के समय में, यहाँ जो लास्ट लाइन लिखी है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में मतलब दिन में ही घिरी आ रही है अमावस निशासी, मतलब इतना अंधकार है अज्ञानता का कि दिन में ही ऐसा फील हो रहा है कि रात जैसा अंधकार है, निशासी मतलब रात जैसा अंधेरा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि केवल विज्ञान और शक्ति काफी नहीं है, मानवीय प्रयास, प्रेम और स्नेह के बिना यह अंधकार समाप्त नहीं हो सकता। हम मनुष्य को हमेशा कोशिश करती रहने चाहिए कि स्नेह से या ज्ञान के द्वारा दीप जलाते रहें, ताकि जो भी अंधेरा फैला है धरती पर वो खत्म हो जाए। यहाँ पर ज्ञान और अज्ञानता की बात की गई है। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। सो इस कविता का मुख्य विषय क्या है? संघर्ष, अंधकार, प्रेम और सकारात्मकता। सकारात्मकता मतलब पॉजिटिविटी, विजय। तो इसका आंसर है प्रेम और सकारात्मकता। फिर
कभी तो धरा का अंधेरा डैश क्या आएगा यहाँ पर, मिटेगा। फिर है इस कविता में कवि ने हमें क्या सिखाया है, कवि ने हमें यह सिखाया है कि निरंतर प्रेम और स्नेह से भरे प्रयास अंधकार को समाप्त कर सकते हैं। फिर कविता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या महत्व है, मतलब जो भी विज्ञान के बारे में कहा गया है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, कि यह हमें बताता है कि हमारे पास अंधकार को प्रकाश में बदलने की शक्ति है, लेकिन फिर भी अंधकार का अस्तित्व एक चुनौती है, अज्ञानता का अस्तित्व क्या एक चुनौती है। यह दर्शाता है कि बाहरी ताकतें केवल केवल तभी प्रभावी होती है जब हम आंतरिक परिवर्तन के लिए प्रयास करते रहें। जब मनुष्य खुद से अंदर से कोशिश करेगा तभी जाकर कोई भी चीज सफल हो सकती है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ रीड कर लेते हैं। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यो ना पथ मिल सकेगा। तो यहाँ पर विद्युत दिए का मतलब है बिजली से जलने वाले दिए या दीपक, आधुनिक जो हम रोशनी करते हैं। बुझाओ यहाँ पर किस सेंस में यूज हुआ है, समाप्त करना या खत्म कर देना। फिर पथ यानी रास्ता या मार्ग। तो इन पंक्तियों में कवि हमें यह समझा रहे हैं कि अगर स्नेह और प्रेम से भरे दीपक नहीं जलते हैं तो हमें सही मार्ग नहीं मिल सकेगा, मतलब हम भटकते रहेंगे। फिर आगे की पंक्तियों में कहा है कि कवि हमें यह बताते हैं कि सबसे पहले जो व्यक्ति अंधकार, अंधकार यानी तिमिर, तिमिर मतलब यहाँ अंधेरा है, ठीक है, अंधकार या निराशा से यहाँ पे रिलेट कर सकते हो कि सब बिल्कुल हताश हो रखे हैं। सो जो भी व्यक्ति सबसे पहले निराशा में या अंधकार में दिया जलाता है उसे सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, तब जाके वे दूसरों के लिए रास्ता बना पाता है। तो चलिए आगे रीड करते हैं। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की, चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। जब सबसे पहले जो कोशिश करने जाता है किसी अंधकार को दूर करने का, उसी को सबसे ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनौती यानी कठिनाइयां, संघर्ष। अब देखो, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने, सरित मतलब नदी, यहाँ जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है, नदी को यहाँ पर कठिनाइयां बताया जा रहा है जो जीवन में आती है। बना दीप की नाव तैयार की, दीप की नाव यानी संघर्ष को पार करने का माध्यम, ऐसे रास्ते बनाए, ऐसे प्रयास किए जिससे कि सरित यानी कठिनाई की जो नदियां हैं उसको हम पार कर सके। तो वही यहाँ कहा गया है, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो कवि यहाँ यह संदेश देते हैं कि बिना स्नेह और प्रेम के कार्य यानी दीपक जलाने का कोई महत्व नहीं है। जब तक हमारे कार्यों में स्नेह नहीं होगा, मानवता नहीं होगी, तब तक सही मार्ग मिलना मुश्किल है। पहली दो लाइनों का ये मतलब है। फिर है, कवि ने इस बात को गहराई से समझाया है कि जब कोई व्यक्ति सबसे पहले अंधकार में दीप जलाता है, अंधकार यानी तिमिर, तो वह चुनौतियों को स्वीकार करके आगे बढ़ता है। ऐसा व्यक्ति अपने साहस और विश्वास से अंधकार की धारा यानी सरित को पार करके दूसरों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। दीपक की नाव तैयार करने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति अपने प्रयासों से अंधकार से लड़ने का एक नया तरीका खोजता है और दूसरों के लिए प्रेरणादायक बनता है। चलिए अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। सो तिमिर की चुनौती से कवि का यहाँ पर क्या तात्पर्य है? जीवन की खुशियां, अंधकार और कठिनाई, प्रकाश या शक्ति, यहाँ पर तात्पर्य है अंधकार और कठिनाई, ख इसका आंसर है। फिर तिमिर की डैश पार करने तुमने बना दीप की नाव तैयार की थी, किस चीज की, सरित है ना, तिमिर की सरित पार करके तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। नाउ नेक्स्ट इज, इस कविता में दीप का क्या प्रतीक है? दीप प्रेम और सकारात्मकता का प्रतीक है जो जीवन के अंधकार को दूर करने में सहायक होता है। देन कवि ने दीप जलाने के महत्व को कैसे दर्शाया है? कवि ने दीप जलाने के महत्व को इस तरह से दर्शाया है कि दीप न केवल रोशनी प्रदान करता है बल्कि यह उन प्रयासों का प्रतीक है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए, जो भी कठिनाई हमारे सामने आ रही है उसको पार करने के लिए हम प्रयास करते हैं और पार करते हैं। पहले दीप जलाने वाले का साहस दूसरों को प्रेरित करता है और उन्हें अंधकार से निकलने का मार्ग दिखाता है। पहले जो कोशिश करता है उसे सबसे कठिनाई आती है, फिर बाद वाले सोचते हैं अच्छा उसने भी कर लिया, हमें भी पता ये चीज ऐसे होगी। तो रास्ता बनाने वाले को सबसे कठिनाई होती है लेकिन बाद वालों को रास्ता आसानी से मिल जाता है। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। सो इन पंक्तियों में कवि पाठकों को निरंतरता और धैर्य की प्रेरणा देते हैं। निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी, कि आपको लगातार धैर्य रखना है, घबराना नहीं है और हमेशा कोशिश करते रहनी है। वे यह बताते हैं कि जीवन की कठिनाइयों और अंधकार के बीच यदि हम प्रयास करते रहेंगे तो एक न एक दिन हमें अवश्य किनारा मिलेगा। किनारा मिलना मतलब हम उस पार चले जाएंगे या प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। कवि यह भी स्वीकार करते हैं, भले ही समय ने अंधकार में
दीप जलाए हों फिर भी उन्हें बुझाने वाले तत्वों का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि समय हो सकता है ऐसे हों कि अच्छे हों, लेकिन कोई ना कोई मुसीबत हमेशा आती रहेगी, तो उनसे हमें पार निकलना है, उनसे हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। तो वही यहाँ पर कहा गया है, बहाते मतलब प्रवाहित करना या निरंतर चलते रहना, निरंतर यानी हमेशा, नाव यानी यहाँ पर जीवन की यात्रा का प्रतीक है, नाव मतलब कि जो तुम जीवन जी रहे हो, आगे जो कार्य करते जा रहे हो, तिमिर यानी अंधेरा, और किनारा मतलब सुरक्षित स्थान या सफलता का प्रतीक, कि कोई प्रॉब्लम थी पार कर ली तो आपको किनारा मिल गया, आप सफल हो गए, है ना। आगे लिखा है, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाए, समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। यहाँ पर युगों का मतलब है लंबे समय में, शिला मतलब पत्थर या चट्टान जो कि यहाँ पर कठिनाइयों का प्रतीक है, और अनगिनत मतलब कि बहुत अधिक जिसकी कोई सीमा नहीं है, और पवन यानी हवा यहाँ पर उस शक्ति का प्रतीक है जो दिया को बुझा सकते हैं। जो भी नेगेटिव चीजें हैं आपके आगे आती हैं और कोई काम आप करना चाह रहे हैं उसमें बाधा डालती है, तो उसको यहाँ पर पवन से दिखाया गया है। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। कवि यहाँ पर यह संदेश देते हैं कि निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कठिन हो, नाव बहाते चलो, इसका अर्थ है जीवन के संघर्षों को पार करते हुए आगे बढ़ते रहो। कवि यह आशा व्यक्त करते हैं कि अंततः तिमिर का किनारा मिलेगा, मतलब अंधकार का किनारा मिलेगा जहां अंधकार समाप्त हो जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। कवि यहाँ यह भी दर्शाते हैं कि युगों से जो दीप जलाए गए हैं वह समय के साक्षी हैं, लेकिन जलते हुए दीपों को बुझाने वाली शक्तियां यानी कि पवन जो हमने अभी देखा वो भी मौजूद हैं। कहीं पे भी आप सक्सेस कर रहे हैं तो उसमें बहुत सी कठिनाइयां आपको हमेशा आएंगी। सो इस प्रकार जीवन में संघर्ष और साहस का महत्वपूर्ण स्थान है, और यह जरूरी है कि हम अपने प्रयासों को जारी रखें भले ही अंधकार का सामना करना पड़े। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। तिमिर का किनारा का क्या अर्थ है, सुरक्षा का स्थान, खुशी, संघर्ष या ज्ञान? सुरक्षा का स्थान, कभी तो तिमिर का डैश मिलेगा, किनारा मिलेगा। कवि ने दिए और तूफान की कहानी से क्या आशय रखा है? कवि ने इससे यह आशय रखा है कि जीवन में संघर्ष और साहस की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और आगे भी चलती रहेंगी। फिर है निरंतरता और धैर्य का क्या महत्व है इस कविता में? सो इस कविता में हमने देखा कि निरंतरता और धैर्य का महत्व यह है कि जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि हम प्रयास करते रहें तो अंततः अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंच सकते हैं। यह विचार हमें उम्मीद और साहस प्रदान करता है कि एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। चलिए अब इसका आखिरी पैराग्राफ है वो देख लेते हैं। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वे, उसी से तिमिर का उजाला मिलेगा। तो अभी हमने देखा था कि बहुत से लोग पहला प्रयास करते हैं, चुनौतियों का सामना करते हैं, सो वो ऐसा करके एक रास्ता दिखा जाते हैं जिससे हम उजाले की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका प्रसंग क्या है, इन पंक्तियों में कवि यह बताते हैं कि भले ही दीप बुझ जाए, जो ज्योति उन्होंने दी है उसी से अंधकार को उजाला मिल सकेगा। कवि इस बात पर जोर देते हैं कि दिए और तूफान की यह कहानी सदियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। यदि धरती पर एक भी दीप जलता रहे तो निशा यानी रात को एक दिन भी अवश्य सवेरा प्रकाश जरूर मिलेगा। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ बुझ मतलब है समाप्त होना, खत्म होना, और ज्योति मतलब है प्रकाश या रोशनी। अब है दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। तूफान यानी भयंकर बवंडर या जो कठिनाइयां हैं उससे यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। लौ यानी रोशनी या जो आग की लहर होती है उसे कह रहे हैं। स्वर्ण सी यानी सोने की तरह या अत्यधिक मूल्यवान। और रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, धरा यानी धरती, तो अगर धरती पे एक भी दिया रहेगा तो हमें सवेरा अवश्य ही मिलेगा। तो यहाँ व्याख्या है, कवि यह संदेश देते हैं कि जो दीप जलाए गए हैं वे भयंकर अंधकार को मिटाने का कार्य करते हैं। दीपक की ज्योति भले ही बुझ जाए तब भी वे अंधकार को उजाला देने की क्षमता रखते हैं, और ये कहानी निरंतर चलती रहेगी जिससे संघर्ष और साहस का महत्व प्रकट होता है। यदि धरती पर एक भी दीप जलता रहता है तो रात यानी निशा के अंधकार में सवेरा यानी प्रकाश अवश्य आएगा। कवि ने यह विचार प्रस्तुत किए हैं कि सच्चे प्रयासों और संघर्षों के परिणाम स्वरूप हमें अंततः सफलता और प्रकाश प्राप्त होता है। ओके, अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन देख लेते हैं। सवेरा मिलेगा, इससे कवि का क्या तात्पर्य है? सुबह की रोशनी, नई शुरुआत,
ज्ञान की प्राप्ति या उपरोक्त सभी, तो ये सभी आंसर इसके सही हैं। सवेरा का मतलब सुबह की रोशनी, नई शुरुआत, ज्ञान की प्राप्ति, ये सब है। कभी तो निशा को डैश मिलेगा, सवेरा मिलेगा। देन कवि ने ज्योति का महत्व कैसे बताया है, तो उन्होंने बताया है कि भले ही ज्योति बुझ जाए फिर भी अंधकार को उजाला देने की क्षमता रखती है। फिर दिए और तूफान की कहानी का क्या महत्व है, सो इसका मतलब जीवन में संघर्ष साहस और प्रेरणा का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर एक दीप जलता रहे तो वह निरंतरता और आशा का संचार करता है। मतलब कोई ना कोई मोटिवेट होता है और आगे और ज्यादा मेहनत करने के लिए कोशिश करता है। ये कहानी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करती है और वे अपने प्रयासों को कभी ना छोड़े, ऐसा हमें सिखाती है। तो इसके साथ हमने इस कविता को अच्छे से पढ़ लिया और इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लिए हैं। बाकी जो बुक में एक्सरसाइज दी गई है, वी आर गोइंग टू फिनिश दैट इन द नेक्स्ट पार्ट। ओके, आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।